प्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने जेपी के साथ बिताए पलों को किया याद। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने किया पैदल मार्च। पार्टी में चल रहे विवाद को लेकर कहा परिवार में कोई विवाद नहीं। पटना में लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में कांग्रेस का मौन, धरना प्रदर्शन। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा भी रहे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। जी हाँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है आज, और आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। बता दें कि जयप्रकाश नारायण के ही नेतृत्व में जो जेपी आंदोलन हुआ था, आज जेपी आंदोलन में शामिल जितने भी वरीय नेता थे, बिहार के जितने भी वरीय नेता थे, वो तमाम नेता जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार भी थे, वो भी आज जयप्रकाश नारायण को याद कर रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर इनकम टैक्स गोलंबर पर स्थित प्रतिमा पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव और तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें माल्यार्पण किया। और सीएम नीतीश कुमार ने इस अवसर पर जयप्रकाश नारायण के साथ बिताए पलों को याद किया, उनके कार्यों की तारीफ की। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आज भी जयप्रकाश नारायण के चलाए गए सिद्धांतों पर हम चलने की पूरी कोशिश करते हैं। आज भी राज्य के जो सबसे पिछड़ा तबका है उसमें विकास करने की कोशिश करते हैं। उनका आवास है। हम लोग युवावस्था में, और जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट उसका नामकरण हुआ, तो यही कमरा है ना, इसी में हम लोग 15-16 मेंबर उसके थे, यहीं पर मीटिंग होती थी, कितना बार आए। और बाद में उनका आवास का ये कमरा बगल का था। हमको सौभाग्य है, हमको बहुत स्नेह करने लगे, मानने लगे, तो कई बार हमको 77 वगैरह में भी आकर के यहाँ पर भी हम उनका दर्शन किए, वैसे सामने भी बैठे। तो जेपी का जो विचार है और जो उन्होंने नेतृत्व किया और जिससे हम सब लोग जाने और सीखे, उसी के आधार पर तो आज काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं, हम लोग तो बोलते हैं बापू के बारे में, जेपी के बारे में, लोहिया जी के बारे में, और इन लोगों के विचारों को ही अपनाते हुए समाज को आगे बढ़ाना, समाज का जो सबसे गरीब तबका है उसको आगे बढ़ाना, समाज में एकता रखना, आपस में भाईचारा का भाव, तो इन सब चीज़ों की सीख हम लोगों को हुई है इन्हीं से। और पटना में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने गांधी मैदान से जेपी आवास तक पद यात्रा निकाला और यात्रा एग्जीबिशन रोड होते हुए जेपी आवास तक पहुंची, और जेपी आवास पहुंचकर उन्होंने माल्यार्पण किया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हमारे पिता भी छात्र नेता रह चुके हैं, वहीं पारिवारिक विवाद पर भी तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में कोई विवाद नहीं है, मां का आशीर्वाद हम लेकर अक्सर चलते हैं। तो तेज प्रताप यादव ने भी जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर आज पद यात्रा निकाला, और पद यात्रा निकालकर आज उन्हें माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया और जयप्रकाश नारायण के दिए हुए सिद्धांतों पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज जितने भी युवा हैं, जितने भी छात्र हैं, वो सभी जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते हैं, और उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव भी जेपी आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं, तो उन्हें इस बात पे गर्व भी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है यार, और हमने पूरे तरीके से लोकनायक जयप्रकाश जी को हमने फॉलो करने का काम किया है, उनके बताए हुए रास्ते को हम लोगों ने चुनने का काम किया, छात्र के जितने नौजवान हैं, और जो उस समय में 1974 में जो संपूर्ण क्रांति जो उन्होंने अभियान जो चलाने का काम किया, उसे कई एक दल के जो आज के डेट में जिनका अलग अलग दल है, कई एक दल के उस समय नेता सब लोग एक थे, पूरे तरीके से सभी नेता थे, हमारे पिताजी सबसे आगे थे, और वो छात्र के
मेधा भी चुने गए थे पटना विश्वविद्यालय से, और उन्होंने पूरे तरीके से छात्र नौजवानों को एकजुट करके और लोकनायक जी को उन्होंने पूरे तरीके से समर्थन नौजवानों ने करने का काम किया। जेल भरो अभियान चला था, सब लोगों ने आंदोलन में उस समय में जेल भी जाने का लोगों ने काम किया था, संघर्ष करने का काम किया। आप नंगे पांव वहां से गांधी मैदान से यहां तक आए, नंगे पांव आए, इसका क्या मकसद था? हम तो घर से ही निकले हैं, लेकिन 10 नंबर नहीं, तो माता जी से हमारी बात हो गई थी फोन पे, मिलने नहीं गए आज, आशीर्वाद लेने, हम तो आशीर्वाद ले लिए हैं। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता उत्कर्ष से। उत्कर्ष, तेज प्रताप यादव आज नंगे पैर यात्रा करते हुए पद यात्रा किया है उन्होंने, और जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उन पर माल्यार्पण किया है। बिल्कुल शर्मिला, एक नए अंदाज में नजर आ रहे थे तेज प्रताप यादव, घर से निकले तो काफी जोश में थे, गांधी मैदान पहुंचा, वहां पर जेपी के जो मूर्ति पर है उन पर माला अनावरण किया, उसके बाद नंगे पांव जो है वो सीधे निकल गए जेपी आश्रम और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ निकले। आपको बता दें कि जो हुजूम था वो कुछ इस कदर था कि देखने लायक बन गया, जो चारों तरफ जो कार्यकर्ताओं का हुजूम था वो जरूर दिखा रहा था कि तेज प्रताप यादव के समर्थक भी काफी हैं। हालांकि कुछ अलग अंदाज में इसलिए नजर आए क्योंकि उन्होंने 10 सर्कुलर रोड ही चुना निकलने के लिए, और वहां से राबड़ी आवास होते हुए निकले, लेकिन नेता विरोधी दल से ना तो वो मिले ना ही उन्होंने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है उत्कर्ष, उन्होंने कहा है कि उनकी माँ का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके परिवार में कोई विवाद नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल से घटनाक्रम हो रहे हैं, बीते दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जब पटना आई तो उनसे मिलने भी गई, लेकिन तेज प्रताप यादव खाफा नाराज दिख रहे थे जिस वजह से वो मिले भी नहीं, और आज जब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाऊंगा, तो जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि आपने माँ का आशीर्वाद नहीं लिया, तो उन्होंने कह दिया कि मैं फोन पे आशीर्वाद लिया हूँ, और पत्रकारों पे भी यूं कह सकते हैं कि नाराज दिखे, और उन्होंने कह दिया कि लगता है आप अपनी माता का आशीर्वाद लेके नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें और जो चेहरा तेज प्रताप का दिख रहा है वो जरूर तेजस्वी यादव से नाराज दिख रहा है। शर्मिला, चलिए उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने पद यात्रा निकाली, नंगे पैर चलकर तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं, और वहां उन्होंने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है, और कहा भी है कि जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश आज भी है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुए हमले में किसानों की मौत के बाद पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है, और फिलहाल बिहार कांग्रेस कमेटी की ओर से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर मौन व्रत धारण कर सरकार का घेराव किया जा रहा है। कांग्रेस नेता की मांग है कि लखीमपुर खीरी के दोषी मंत्री को बर्खास्त किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता धरने पर बैठे रहे। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में उन्होंने मोर्चा खोला, और ऐसे में हमारे सहयोगी ने कांग्रेस प्रवक्ता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है कांग्रेस प्रवक्ता ने इस धरने को लेकर, जरा भी सुनिए। आपने देखा है कल बनारस में जो रैली हुई, वह संकेत है मोदी को कि उनके लोकसभा क्षेत्र के मात्र 6 विधानसभा क्षेत्रों का ही रैली था, और जिस ढंग से वहां जैन सैलाब उतरा यह साबित करता है कि मोदी के प्रति अब जनमानस की भावना उनके निगेटिव में जा रही है, और आने वाले दिन में एनडीए की सरकार मृत प्राय हो जाएगी,
और कांग्रेस इस लड़ाई को तब तक लड़ेगी। सवाल ये भी आ रहा है कमल देव जी कि जिस तरह से जो आरोपी है, आरोपी के पिताजी की जो बात आ रही है कि उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, तो जो घटना है, जो आरोपी है उसको तो गिरफ्तार किया गया कहा जा रहा है, लेकिन उस गिरफ्तार करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि जो आरोपी है उनके पिताजी भी इस घटनाक्रम में संलिप्त है, ऐसा तो नहीं। पिताजी घटनाक्रम में संलिप्त है कि नहीं है, लेकिन घटना के जांच को प्रभावित करने का काम वो कर रहे हैं। चलिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। Elite Institute. अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITM के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुँचिए एलीट इंस्टीट्यूट। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छक्का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। DTV भारत, देश के नाम। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा। बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों ना समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, प्यू गुड़ियों से खेलने वाली, तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में फिर से लोगों की फरियादों को सुनी। मुख्यमंत्री आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT, कला संस्कृति समेत कई विभाग से संबंधित शिकायतों को सुना। बता दें कि जनता दरबार के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी भी दरबार में मौजूद रहे। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेंद्र फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र, आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा, किन किन विभागों की शिकायतें सुनी है मुख्यमंत्री ने? धीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी। धीरेंद्र, आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा था, दरबार में किन मुद्दों पर आज जनता की परेशानियों का सुझाव दिया है, परेशानियों का समाधान किया है CM ने? जी, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग एवं इसके सहित कई विभागों की आज सुनवाई हो रही थी, फरियादी आए हुए थे। और अमूमन देखा जाए तो पहले 150 से 200 से लगभग में फरियादी आते थे, लेकिन अभी यूं कहे तो दशहरा का समय चल रहा है और बिहार में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, उसको लेकर के लगभग 118 ही फरियादी पहुंचे हुए थे।
जिसको सुनवाई करते हुए लगातार विभागीय पदाधिकारियों को आदेश देते हुए कि इन लोगों की जो भी समस्याएं हैं जल्द से जल्द दूर की जाए। जी बिल्कुल धीरेन्द्र बिल्कुल। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता की समस्याओं को सुना है। चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव आज सिवान रवाना हो रहे थे। जी हां, तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन की बेटी की शादी में शामिल होने जा रहे थे और इसी दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव काफी हमलावर नजर आए। नीतीश सरकार पर जमकर गरजे तेजस्वी यादव और इसी के साथ महागठबंधन को भी लेकर बड़ी बात कह दी है तेजस्वी यादव ने। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। विवाह है निकाह में हम लोग जा रहे हैं, हमको कोई बात हम लोगों ने कह रहा बात हम लोगों ने कह विपक्ष भ्रम फैला रहा है ऐसा कहा जाए। देश भर कोई भ्रम नहीं है, जो हकीकत है वही इसमें तो बकायदा हमने ट्वीट भी करके बताया। पूरे देश में जो है संकट आया हुआ है इसको लेकर आगे देखते हैं कि इसका जो है कैसे लोग। और पटना में आरजेडी महासचिव आलोक मेहता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि दशहरा के कारण उपचुनाव को लेकर पार्टी अभी मीटिंग नहीं कर रही है, इसलिए चुनाव की मीटिंग दशहरा के बाद की जाएगी। गौरतलब है कि आलोक मेहता ने तेज प्रताप यादव के पद यात्रा पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के अंदर की बात है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कार्यक्रम तो शुरू है, एक राउंड हम लोग नॉमिनेशन के क्रम में मीटिंग वगैरह करके आए हैं और आगे अभी समय है, दुर्गा पूजा से पहले भी लोग जाएंगे और उसके बाद भी लोग जाएंगे। मीटिंग ज़्यादा मतलब ज़्यादा मीटिंग दुर्गा पूजा के बाद ही होगी और लोग जाएंगे मिलेंगे। सभी लोगों को लगाया जा रहा है, सभी लोग मतलब पार्टी में जो जहाँ से ताल्लुकात ज़्यादा रखते हैं उसके हिसाब से लगाया जा रहा है। लालू जी कब से करेंगे? लालू जी काफी बहुत निश्चित नहीं है, उनके स्वास्थ्य को देखकर ऐसा होगा देखा। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बेगूसराय से आ रही है जहां गंगा नदी में तीन युवक डूब गए, नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। तीनों युवक की तलाश जारी है। मटिहानी के खोरमपुर गांव की घटना है बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां नहाने के दौरान तीन युवकों के डूबने की खबर है। तीनों युवकों की तलाश, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, स्थानीय गोताखोर भी लगे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बेगूसराय से आ रही है। मटिहानी में ये बड़ा हादसा हुआ है, गंगा नदी में नहाने के दौरान तीन युवक डूब गए। फिलहाल तीनों युवकों की खोजबीन की जा रही है, स्थानीय गोताखोरों द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं बेगूसराय के मटिहानी की। तो चलिए मटिहानी के खोरमपुर गांव में यह घटना घटी है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बेगूसराय से संवाददाता जिवेश तरुण। जिवेश, क्या अधिक जानकारी है? तीनों युवकों की तलाश में टीम जुटी हुई है। बिल्कुल सर, मिला मैं बता दूं कि बेगूसराय में मुंगेरीगंज और बेगूसराय के पट्टी रोड के चार साथी थे, वो गंगा स्नान करने के लिए मटिहानी थाना के खोरमपुर घाट पर गए हुए थे और अभी जो स्थिति है गंगा की है वो किसी की छुट्टी हुई नहीं है। बाढ़ का जो कहा था वो अभी तक घटा नहीं है, हालांकि उसमें कुछ कमी आ गया, लेकिन जो पानी की रफ्तार है वो अभी भी काफी कहर बरपाए हुआ है। ऐसे में ये चारों युवक वहाँ नहा स्नान करने के लिए गए थे, अभी तो थोड़ी दूर आगे जाने पर ही चारों युवक जो है एक दूसरे को डूबते हुए नजर आए। इसी क्रम में जो है अगल बगल को जो स्नान कर रहे हैं लोग थे वो उनको देखे लोग चिल्लाए, उसके बाद किसी तरह एक युवक को। अच्छा जिवेश, जिवेश तीनों जो युवक डूबे हुए हैं, जो तीनों युवकों की तलाश की जा रही है, किन किन को ये जिम्मा मिला है? क्या मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है?
बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की बात सूचना दी, जिला प्रशासन ने तो फौरन एक्शन दिखाते हुआ सीआरएफ की टीम को वहां भेजा है और वहां जो है छानबीन की जा रही है। हालांकि एक उसके से युवक को किसी तरह स्थानीय लोगों ने बता दिया, तीन युवक की तरह सभी की जान। बिल्कुल बिल्कुल, तो रहने के दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल युवकों की तलाश की जा रही है। तमाम बातचीत के लिए, अपडेट देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पल पल की जानकारी आप लेते रहिए। अब भी जिवेश, तीनों युवकों की तलाश अब भी जारी है और बेगूसराय से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नहाने के दौरान तीन युवक डूब गए। और गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। हालांकि विभाग की टीम को देखकर तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम ने बलथरी चेक पोस्ट के पास ये कार्रवाई की। और बिहार के युवाओं को इसके गौरवशाली अतीत से परिचय कराने के लिए बिहार भर में चलाए जा रहे लेट्स इंस्पायर अभियान कार्यक्रम बक्सर के एमपी उच्च विद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आज के युवा विभिन्न कार्यों में व्यस्त होने के कारण ये भूल गए हैं कि बिहार के ही अरण्य में वेदांतों की रचना वेद व्यास ने की थी। बिहार की ऐतिहासिक विरासत और धरोहरों से युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने सीताराम संग्रहालय का जिक्र करते हुए कहा कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बक्सर के युवाओं को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बिहार का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं कटती जा रही है, आपसी संघर्षों में व्यस्त होती जा रही है। अपनी विरासत को पहचान कर आगे बढ़ने की जरूरत है, और जब हम प्रेरित हो जाएंगे, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, तो जैसा भविष्य होगा उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसी मुहिम को लेकर, अभियान को लेकर, बिहार के इतिहास के संदेश को लेकर आने वाली पीढ़ियों से खास करके उन पर प्रभाव पड़े, इसके लिए आज की युवा पीढ़ी से वार्ता कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में बक्सर आया हूँ। और मोतिहारी के पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में एक दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद, केवीके के वैज्ञानिक अरविंद कुमार और यूरिया के बिहार झारखंड के रीजनल हेड अरुण कुमार शर्मा ने किया। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने बताया कि जिले में 1,80,000 हेक्टेयर में रबी फसल की बुआई का लक्ष्य है और इसके लिए सरकार के पास जरूरत के हिसाब से खाद आपूर्ति का ऑर्डर भेज दिया गया है। सरकार ने जिले को आवश्यकता अनुसार खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। और बक्सर के दुल्हपुर पंचायत के खैरापट्टी गांव में एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। रोमांचक मुकाबले में पटना की टीम ने शेरपुर उत्तर प्रदेश की टीम को फाइनल मुकाबले में हराते हुए शील्ड पर अपना कब्जा जमाया। आपको बता दें कि टूर्नामेंट का उद्घाटन दुल्हपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि पंकज सिंह ने किया और इस मैच के दौरान ग्रामीण खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते नजर आए और मैच के अंत तक मैदान पर डटे रहे। और दानापुर में अब बेटियां राह चलती लड़कियों से छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाएंगी। फुलवारी शरीफ के प्रखंड कार्यालय के पास इंटरनेशनल मार्शल आर्ट फेडरेशन बेटियों को मार्शल आर्ट सिखा रही है और इस कैंप में दर्जनों बेटियां मार्शल आर्ट और कराटे सीख रही है। इसमें ऐसी कितनी ही बेटियां हैं जो कराटे और मार्शल आर्ट सीख ब्लैक और येलो बेल्ट भी हासिल कर चुकी हैं। और इस मौके पर ब्लैक बेल्ट प्राप्त भीम कुमार के नेतृत्व में फेडरेशन की ओर से फेडरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद रिजादुल्लाह ने अपने हाथों से बच्चों और बच्चियों को बेल्ट के साथ सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। अपने बचाव के लिए और फिजिकल फिट रहने के लिए। और आज के माहौल के अनुसार क्या है? आज के माहौल में ढेर सारे लड़के हैं जो राह चलते लड़कियों को छेड़ देते हैं, उनसे बचने के लिए ये सब सीख रहे हैं। मार्शल आर्ट हम सीखते हैं अपने सेफ्टी के लिए, बॉडी फिट रखने के लिए,
और वैसे वैसे हम लोग कॉलेज स्कूल जो भी हो जाते हैं, बदमाश लड़के लोग छेड़खानी वगैरह करते हैं, उसके मुंह पर जवाब देने के लिए। और देश के 52 शक्तिपीठों में एक माता कात्यायनी मंदिर खगड़िया जिले में उपस्थित है। नवरात्र का पावन दिन चल रहा है, सनातन धर्म का महापर्व चल रहा है और इस मंदिर में देवी के छठे रूप मां कात्यायनी की पूजा होती है। साथ ही मान्यताओं के अनुसार अग्नि में देवी ने जब अपनी आहुति दी थी तो भगवान शिव उनको लेकर तांडव नृत्य करने लगे थे और इस दौरान माता का हाथ यहीं गिरा था, जिसके बाद यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता की पूजा करने और दूध चढ़ाने पहुंचते हैं। और रोहतास जिले के सासाराम में जहां पहाड़ी के गुफा में स्थित मां तारा चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता के तारा रूप की यहां पूजन की जाती है, खासकर नवरात्र में दूर दराज से श्रद्धालुओं का यहां जमावड़ा लगता है। वहीं लोग इसे मनोकामना सिद्धि देवी भी कहते हैं। आपको बता दें कि सासाराम नगर से 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस मंदिर के प्रति यहाँ के लोगों में गजब की श्रद्धा देखने को मिलती है। और बेगूसराय के शक्तिपीठ बखड़ी पुरानी दुर्गा स्थान में इस साल से बनारस से आए पुरोहितों के द्वारा की जाने वाली संध्या आरती लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रत्येक दिन संध्या के समय बनारस अस्सी घाट से आए 5 पुरोहितों के द्वारा यहां पर शिव स्तोत्र के साथ साथ दुर्गा की भी आरती की जाती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगता है। भक्ति का एक अनोखा जनसैलाब यहाँ देखने को मिलता है। आयोजकों के अनुसार बकरी की पुरानी दुर्गा स्थान का अपना एक विशेष महत्व है और दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के हर लहर से खुद को और अपने अपनों को बचाइए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।